होगा भाई होगा, ये फिर से होगा और होता ही रहेगा जब तक ये पेप गार्डियोला छोड़ेगा नहीं ना सिटी। ये होता ही रहेगा, अब पीछे से आएगी और वापस प्रीमियर लीग टाइटल ले जाएगी, किसी को नहीं जीतने देगी भाई ये। मतलब व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल, एकदम प्रीमियर लीग क्लासिक चला है, मैन सिटी वर्सेस न्यूकासल। मैन सिटी ने कमबैक मार दिया अपना, कंप्लीट कर दिया। हाँ 1-0 का लीड लिया था उन्होंने। पहले बात करें तो बर्नाडो सिल्वा ने क्या गोल मारा भाई, मैं तो फैन हूँ भाई बर्नाडो सिल्वा का, व्हाट अ फुटबॉलर यार। पहले एक मैन सिटी ने 1-0 का लीड लिया, बर्नाडो सिल्वा एक क्लास एकदम टच लिया है बैक हील वाला, 1-0 का लीड दिया है। उसके बाद है ना थोड़ा हाँ प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि मैन सिटी का थोड़ा इशू था गोलकीपर से। एदरसन स्टार्टिंग में ही इंजर्ड हो गया 2-3 मिनट में ही, स्टार्टिंग के ही गेम में, तो ऑर्टेगा ने उसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद देखा जाए ना तो पूरा फर्स्ट हाफ में ना न्यूकासल ही न्यूकासल थी पूरा मैच। बहुत ही अच्छा ब्रूनो गेमर है, शॉट अप प्लेयर ब्रूनो भाई, एक मस्त वाला उसने एक लॉब डाल के एक एकदम क्लास वाला असिस्ट डाला है एलेक्जेंडर इसाक को। इसाक ने ऑफकोर्स फिनिश किया, वो इक्वलाइजर था। बात करें तो बहुत थोड़ा अंडररेटेड है यार ब्रूनो गिमारेस, देखा जाए तो अच्छा है, पूरा पिच कवर करता है, इधर उधर हर जगह रहता है। हाँ कभी कभी स्ट्रगल करता है, पर वो तो सभी करते हैं। फिर उसके बाद गॉर्डन ने सेकेंड गोल मारा न्यूकासल का फर्स्ट हाफ में। 2-1 का लीड ले लिया था न्यूकासल ने। फर्स्ट हाफ पूरा न्यूकासल अच्छा खेली थी, मतलब देखा जाए तो मैन सिटी इतना बड़ा थ्रेट लग नहीं रहा था न्यूकासल को। पर जब सेकेंड हाफ आया ना, सेकेंड हाफ जब स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था वापस मैन सिटी का मैन सिटी आया है पुराना वाला एकदम। 46th मिनट से लेके 90 मिनट तक पूरा पोजेशन बेस्ड फुटबॉल जो मैन सिटी का है वो ही खेला उन्होंने। मतलब पूरा पोजेशन रख के आगे चला है, पूरा अटैकिंग हाफ में जाके खेला है उनके घर में सेंट जेम्स पार्क में, जो कि इजी नहीं है किसी भी टीम के लिए। सेंट जेम्स पार्क भाई बहुत हार्ड है, किसी भी टीम के लिए इजी नहीं है। लिवरपूल हो, मैन सिटी हो, कोई भी हो, वो लोग अपने कॉन्फिडेंस से आते हैं न्यूकासल वाले अपने घर पे। बहुत अच्छा था मतलब सेकेंड हाफ तो एकदम, इट वॉज ऑल मैन सिटी। और मैन सिटी क्या टीम है यार सच में। और उसके बाद पूरा पोजेशन, एक मैं एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा पहले, तो क्या प्लेयर है, एकदम अंडररेटेड है, उसका नाम है रॉड्री। मतलब रॉड्री एक ऐसा प्लेयर है जो हर मैनेजर है ना सपना देखता रहेगा उसका, कि यार काश ये मेरे मिडफील्ड में होता था यार। हर मैनेजर मतलब व्हाट अ साइनिंग है यार मैन सिटी के लिए, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है यार रॉड्री। उसका इम्पैक्ट बहुत होता है, दिखता नहीं है पर बहुत होता है उसका इम्पैक्ट। फिर है ना मैन सिटी बहुत अच्छा खेल रही थी सेकेंड हाफ, पूरा अपने ट्रायंगल पासेस, पूरा विंग चेंज पूरा कर रही थी। न्यूकासल तो जैसे दिख ही नहीं रही थी, न्यूकासल ने तो एक मतलब ट्रायंगल पास भी नहीं किया आपस में सेकेंड हाफ में, और वो भी अपने होम में, होम मैच खेल रही थी 2-1 लीड लेके। ठीक है थोड़ा शायद घबरा गई रहेगी, नर्वस लग रही थी, थोड़ा बहुत लग रही थी, पर मैन सिटी का पूरा पोजेशन बेस्ड फुटबॉल है तो वो लोग तो निकालेंगे यार गैप्स, सीधी बात है। फिर उसके बाद हुआ एक आतंकी मतलब नेक्स्ट लेवल का सब्स्टिट्यूशन। अगस्त में लास्ट मैच खेला था वो अपनी ईपीएल की, वापस आया है आज, उसका नाम है केविन डेब्रॉयन। सीधी बात है सबको पता है कैसा इम्पैक्टफुल प्लेयर है वो, कभी भी आएगा कोई भी गेम बदल देगा, कहीं से भी पास डालता है। केविन डेब्रॉयन यार अच्छा हुआ आज आ गया, अगर केविन डेब्रॉयन नहीं आता था ना आज तो नहीं जीतती थी भाई ये मैन सिटी, नहीं जीत पाती थी आज। वो अपने ओवरलैप रन तो लेता ही है आजकल, हमने देखा है कि पीछे से काइल वॉकर के पीछे या उसके आसपास ही उसके साथ गेम बना के ओवरलैपिंग रन। हाँ ठीक है आज वो क्रॉसेस नहीं डाल रहा था ऊपर से, क्योंकि हालंड नहीं था ऑफकोर्स, तो हेडर मारने के लिए कोई होना चाहिए, और तो हालंड नहीं है तो वो अपने ना कैसे कटबैक डाल रहा था वहां से ओवरलैप जाके, कटबैक डाल रहा था जैसे कोई ना कोई आके फिनिश करे, पर हो नहीं रहे थे। ठीक है वो उसमें अल्वारेस का थोड़ा दिन नहीं था आज, क्योंकि वो शूट ले रहा था तो ऑन टारगेट तो जा रहा था कभी कभी, तो वो सेव हो जा रहा था या तो फिर ऑफ टारगेट, सीधी बात है। हाँ थोड़ा अल्वारेस का थोड़ा इतना अच्छा गेम नहीं था आज देखा जाए तो, पर प्लेयर तो सीधी बात है बहुत क्लास है। बात करेंगे एक और प्लेयर की तो कोवेचिच और फोडन, उन लोग का भी इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा था, डिसेंट था देखा जाए तो। कोवेचिच अच्छा खेल रहा था कोवेचिच भी, और इसीलिए उसको सीधी बात है निकाला नहीं पूरे मैच। फिर उसके बाद ग्वार्डियोल है, ग्वार्डियोल पूरा कमिट कर रहा था आज, कुछ ज्यादा ही कमिट कर रहा था आगे, इससे मालूम पड़ रहा था कि न्यूकासल इतना बड़ा थ्रेट नहीं दे रही है मैन सिटी को सेकेंड हाफ में। ग्वार्डियोल आ गया है, ड्रिबलिंग कर रहा है, अपनी चांसेस उठा रहा है, ठीक है। और उसके बाद केविन डेब्रॉयन ने सीधी बात है अपना इम्पैक्ट डाल दिया, उसने एक पहले आके एक सीधा अपना एक्यूरेट जो गोल मारता ही है कैसे भी कहीं से भी कोई भी स्पेस से आके अपना एक्यूरेसी दिखाता है वो। उसने 2-2 अपना इक्वलाइजर कर दिया, न्यूकासल थोड़ा और डाउन हो गई कॉन्फिडेंस में। उसके बाद वो मिडफील्ड में आके एक और लास्ट में एक छोटे से बच्चे,
जिसका नाम है बॉब, नॉर्वे का, उसको सब्स्टिट्यूशन में लाया है भाई डोकू की जगह, वो भी पेप गार्डियोला को भाई सल्यूट है। वॉट अ सब्स्टिट्यूशन करता है यार, क्या सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक छोटा सा बच्चे पे तूने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है, लास्ट में उसको निकाला है, वो भी अपने एक ऐसे इम्पैक्टफुल प्लेयर जो चार चार असिस्ट भी डालता है मैचेस में डोकू की जगह पे। उसके टचेस देखे भाई तुमने, टच और कॉन्फिडेंस क्या था लेवल, क्या मतलब स्काउटिंग टीम को दाद देना पड़ेगा मैन सिटी का, मैन सिटी का स्काउटिंग टीम क्लास, मजा आ गया भाई एकदम। वो बॉब का भी गेम अच्छा था, एकदम कॉन्फिडेंट लग रहा था आने से ही। केविन डे ब्रुइन ने अच्छे तरह ढूंढा उसको भाई, लॉब डाल के एकदम मस्त वाला डायगनली, और उसने गोलकीपर को कटा के लास्ट में उनको लीड दिया है मैन सिटी। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मैच था, एकदम प्रीमियर लीग क्लासिक जिससे प्रीमियर लीग गेम्स होती है, मजा आ गया भाई। अभी ये आएगी वापस, मैन सिटी वापस आने ही वाली है, कुछ भी करो। और एक बात है, मैन सिटी का कोई भी प्लेयर एफकॉन में नहीं जा रहा है ये बार, कोई भी नहीं है, उनके पूरा स्क्वाड है। और हालन भी आ ही जाएगा बहुत जल्द अभी। हाँ लिवरपूल का भी जा रहा है, सल्ला तो चले गया है, लगभग हर टीम का कोई ना कोई जा ही रहा है। तो मैन सिटी कर सकती है, करेगी, क्योंकि उन लोग का तो फेवरेट कॉम्पिटिशन है यार प्रीमियर लीग, कुछ भी हो जाए। अभी वो 8th या 9th भी होती थी ना तो भी पीछे से आके अपना प्रीमियर लीग टाइटल वो छोड़ेगी ही नहीं, नहीं छोड़ेगी भाई। अब तो केविन डे ब्रुइन जब फुल फिटनेस में होता है ना यार, मजा आ जाता है यार, व्हाट अ प्लेयर यार, बहुत मजा आता है सच में, ऐसा लगता है कि कैसे खेल सकता है कोई इतना अच्छा। ओवरऑल बहुत अच्छी गेम थी, ऑसम कमबैक एकदम मैन सिटी का, 3-2, 1-0 नीचे से 3-2 का कमबैक किया है, मजा आ गया। ओवरऑल गुड फुटबॉल, मजा आया एकदम, प्रीमियर लीग क्लासिक मैच। तो सब्सक्राइब करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।